वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपकर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने जिला पंचायत अध्यक्ष का ताज सजा भाजपा के। सरसंगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बड़े अंतर में चुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह ने सपा प्रत्याशी मालती यादव को कड़े मुकाबले में 18 मतों से पराजित किया है। कुल 84 जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पद पर वोटिंग की, जिसमें 51 मत बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीके सिंह को मिला, तो वहीं 33 मत समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मालती यादव को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इस जीत को प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्यों के बदौलत बता रही हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। बीजेपी सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों में आम जनता विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि आम जनता को अब विश्वास हो गया है कि प्रदेश और देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। आज की इस जीत से ये बात साबित हो गई है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी तपस्या के बदौलत प्रयागराज में भाजपा को इतने बड़े अंतर में जीत मिली है। उन्होंने कहा कि आज निर्दलीयों के साथ साथ दूसरे दलों से जीते पंचायत सदस्यों ने भी भाजपा की इस जीत में अपना योगदान दिया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश भर में मिली बड़ी जीत को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि इन्हीं नेताओं के मार्गदर्शन के बदौलत आज बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। वहीं पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वहां पर दो नेताओं ने नापाक गठबंधन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। वहां पर दो विरोधियों के नापाक गठबंधन किया था, जिन्होंने धन बल और बाहुबल के दम पर चुनाव को प्रभावित करके जीता है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के चुनाव के बारे में सभी जानते हैं, वहां पर ऐसे लोगों की जीत प्रदेश में कोई मायने नहीं रखती है। इस दौरान बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बगैर नाम किए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कभी दूर विरोधी थे, आज वह एक होकर धनबल और बाहुबल के दम पर चुनाव जीता है। जीत के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके और जय श्री राम के नारे लगाकर जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर उनको वहाँ से खदेड़ना पड़ा। फिलहाल प्रयागराज की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के खेमे में आने के बाद प्रयागराज के कई बड़े नेताओं की शार खराब होने से बच गई है। आइए सुनाते हैं डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद सांसदीय सीट से बीजेपी सांसद ने क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या कहेंगे इसको। हमें पहले भी था कि हम जीतेंगे, लेकिन इतनी बड़ी जीत हमें दर्ज की है प्रयागराज में, तो ये स्पष्ट हो गया है कि जनता भी और हमारे जो मतदाता थे, सदस्य थे, वो इस बात को समझ गए कि अगर कोई विकास कर सकता है ईमानदारी के साथ बेहतर तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी कर सकते हैं। डॉक्टर वीके सिंह की बड़ी विरासत है और जिस तरह से हमारे पार्टी के नेतृत्व ने इस जीत को दर्ज करने में मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, सभी विधायकों ने, हम दोनों सांसदों ने मिलकर प्रयास किया है, पूरी पार्टी लगी रही, और 51 और 33, ज़रा आप अंतर देखिए, 17-18 वोटों का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं समझती हूँ ये प्रचंड जीत है, ये जीत योगी जी की है, ये जीत हमारी सरकार की है, जीत केशव मौर्य जी की है जो मुख्यमंत्री हैं प्रयागराज से, ये जीत मोदी जी में लोगों के विश्वास का है कि विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास प्रदेश भर के नीति पे हम चलेंगे। बड़ी जीत हुई है, तमाम जगहों पर पहले निर्विरोध हुए, उसके बाद आज भी जीत हो रही है, क्या क्या कहना है? देखिए, स्पष्ट है कि सरकार ने लोगों के हृदय में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि हम किसी एक जाति के, एक समुदाय के नहीं हैं। हम जब विकास करते हैं तो सबके लिए सामान्य रूप से विकास होता है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं योगी जी ने शुरू करी, मोदी जी ने शुरू करी, और जिस तरह से कोविड के दौरान
लोगों के लिए जनहितकारी कार्यक्रम चलाए गए वो सब लोगों में मन में विश्वास पैदा कर चुके, इसीलिए सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर अपने वोटर्स की, अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चुना है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी से हटकर अन्य दलों के और जो निर्दल जीते हैं हमारे जिला पंचायत सदस्य, सबने एकजुट होकर वोट डाला। प्रतापगढ़ में बड़ी हार भी हुई है, तीसरे पायदान पर पार्टी गई है, सिर्फ 3 वोट मिले हैं, क्या कहेंगे? वहाँ तो बड़ा नापाक गठबंधन हुआ है, आपको मालूम ही है, और जो लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे वो एक होकर खड़े हो गए। किस तरह से मैं नहीं जानती कांग्रेस की क्या पॉलिसी थी, लेकिन मैंने सुना है कि उनके वहाँ के एक बड़े नेता और वहाँ के निर्दल जो नेता हैं वो दोनों एक हो गए। तो ये नापाक गठबंधन का असर है, लेकिन प्रत्याशी को धरना देना पड़ा था, क्या कहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि उन लोगों की वहाँ पर दबंगई चली होगी, उन्होंने नापाक तरीके अपनाए हैं और जीत प्राप्त की है। लेकिन प्रतापगढ़ की राजनीति में इस जीत का कोई अर्थ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, सब जानते हैं प्रतापगढ़ की राजनीति कैसे चलती है। संगम नगरी प्रयागराज में अधिवक्ता सुशील जय हिंद और जय जवान जय किसान मंच के संयोजक ने वीडियो वायरल करते हुए सवाल सरकार पर खड़े किए हैं और साथ ही प्रशासन से भी सवाल किया है कि जब लॉकडाउन में आम जनता नहीं निकल सकती है तो इस तरह से पंचायत चुनाव मतगणना और राजनीति पद का दुरुपयोग कैसे हुआ और हम इसका विरोध करते हैं। आइए सुनाते हैं वायरल वीडियो में उन्होंने क्या कहा। आज इलाहाबाद ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और जिला पंचायत सदस्यों को करोड़ों करोड़ों रुपए में खरीदा गया। चलिए जिला पंचायत अध्यक्ष करोड़ों रुपए में जिला पंचायत सदस्यों को खरीदे और जो दोगले किस्म के लोग थे जिनका कोई जमीर नहीं था, जिनकी आत्मा मर चुकी थी, उन्होंने पैसे लेकर वोटिंग किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप वोटिंग किसी को करें क्या करें, मुझे उससे मतलब नहीं। मतलब इस बात से है कि जहाँ पे शासन प्रशासन शनिवार इतवार को लॉकडाउन लगा रहा है, एक आलू बेचने वाला, एक चना बेचने वाला, एक गरीब आदमी को घर से बाहर निकलने के लिए रोक रहा है, वहीं आज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में डीएम आवास के बाहर, जिला कार्यालय पर, जिला पंचायत अध्यक्ष के ऑफिस पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। एक गरीब तो बाजार में सब्जी नहीं बेच सकता है, लेकिन सत्ता के दलाल लोग, सत्ता के रखवाले कहलाने वाले लोग ये नंगा नाच कर रहे हैं, ये गलत है और हम सब लोग इस चीज का विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज में इंदिरा भवन में गंदगी के लगे अंबार को लेकर नगर निगम ठेकेदार द्वारा इंदिरा भवन परिसर में व्याप्त 2 हफ्ते से कूड़ा करकट न उठने पर जनता दल सेकुलर के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने जमकर विरोध किया है। नगर निगम की सफाई निरीक्षक व ठेकेदार पर कई बार शिकायत करने पर कूड़ा न उठाने और दूर कान में जू तक नहीं रहेंगी। जेडीयू नेता ने नगर आयुक्त को भी बताया कि कोरोना काल में गंदगी से संक्रमण फैलने खतरा बना हुआ है, वहीं इंदिरा भवन परिसर में 2 हफ्ते से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, नगर निगम द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वार्ड नंबर 10 सिविल लाइन्स के नगर निगम में सुपरवाइजर द्वारा मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल की जा रही है। इंदिरा भवन परिसर में कूड़ा करकट गंदगी का अंबार लगा है। वहीं जनता दल सेकुलर के नेता का कहना है कि अगर तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इंदिरा भवन में कूड़ा करकट नहीं हटा तो आगामी 8 तारीख को जनता दल सेकुलर बैनर तले नगर आयुक्त के कार्यालय में ताला जड़ने का बात होगी। इंदिरा भवन परिसर में 2 हफ्ते से कूड़ा नहीं उठ रहा है, नगर निगम निरीक्षक द्वारा और ठेकेदार द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, कई बार शिकायत किया गया नगर आयुक्त से लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये तत्काल कूड़ा नहीं उठा तो नगर निगम कार्यालय में ताला जड़ने काम किया जाएगा। ओके। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के कालंदीपुरम निकट स्वामी विवेकानंद मार्ग के करीब एक घर में चोरी हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और CCTV खंगाली गई, जिसमें 2 लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं और घर से सामान लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते कि पीड़ित के अनुसार वो अपने घर से किसी काम से बाहर गए थे और जिसके वजह से जब वो घर में आए तो उनका ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था और अलमारी से नकद और गहने गायब हो गए। ये मामला है कालंदीपुरम के रहने वाले अशोक कुमार अग्रहरी के घर में ये घटना घटी है। सुबह भोर में करीब शुक्रवार की ये घटना को
अभियुक्तों ने अंजाम दिया है। करीब 3:54 की ये घटना है, जहां पर कुछ लोग उनके घर में घुसे और हाथ साफ करके झोले में कुछ सामान इनके गहने और नकदी लेके फरार हो गए। अब पुलिस CCTV के आधार पर अब इनकी जांच में जुट गई। कुछ काम से अपने ससुराल खागा चला गया था और मैं उसी दिन लौटना था, लेकिन कुछ पानी और आंधी की वजह से मैं रात रुक गया। रात रुकने के बाद सवेरे 5 बजे चल के मैं यहाँ पर सुबह 7 बजे आया। 7 बजे जब आया तो दरवाज़ा बाहर के गेट को मैंने दरवाज़ा का ताला खोला, अंदर जैसे इंटेट कर रहे हैं मेरा दरवाज़ा का ताला ज़मीन में गिरा हुआ फेंका था और दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया तो मेरे अंदर दूसरे रूम का जो दरवाजा अलमारी था, अलमारी का फेंका तोड़ा गया था और पूरा कपड़ा गहने के वो क्या कहते हैं खोल सब फेंका था। मेरे सब ATM कागज और पासबुक सभी बेड पर फेंके हुए थे, बगल में बेड लगा हुआ था। सर मेरी चोरी का कहता है गहना हुआ है और रुपया हुआ है। प्रयागराज में अगर विकास देखना हो तो अब पश्चिमी सड़कों को आप देख लीजिए। कभी CM योगी के द्वारा कुछ ही दिन में गड्ढा मुक्त सड़कों को करने की बात कही गई थी, मगर अब ये सड़कें गड्ढा युक्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने जाने वालों को गड्ढे से बच के जाना पड़ता है। जब बारिश होती तो यहीं जल भराव हो जाता है, जिसके कारण गड्ढे नहीं दिखाते और लोग गिर पड़ते हैं। ये क्षेत्र है सूबे के मंत्री व शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का, जहाँ पर विकास की गंगा बह रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर विकास है। चलने वालों को तो बहुत ही आराम है, मगर यहाँ गड्ढे युक्त जो सड़कें हैं उससे अक्सर कोई ना कोई फजीहत होती है, जिसके कारण आने जाने वाले स्थानियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहीं पर एक अखबार का भी ऑफिस है, उसके सामने भी सड़कें आप देख सकते हैं क्या हाल है। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है ये विकास की गंगा किस तरह से बह रही है। ये अपने आप में सरकार की कलाई खोल के रख दी है और अब देखना ये होगा कि मंत्री जी इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। ये लूकागंज इलाका है जो DSA ग्राउंड है, यहाँ पर गड्ढे इतने हो गए हैं कि अक्सर जब पानी बरसता है तो पानी भर जाता है, तो हम लोग गुजरते हैं तो समझ में आता नहीं गड्ढे में गाड़ी खच्चे होती है, मालूम गिर गए चोट लगी। अभी परसों जब पानी बरसाएगा तो पानी भरा था, हम लोग जब गुजरे से तो एक साइकिल वाला आया था, समझ नहीं पाया लेकिन गाड़ी गिर पड़ा साइकिल। तो अक्सर ऐसी घटनाएँ हो रही होंगी, तो अगर इसको मैं मांग करता हूं कि भाई इसको रोड का निर्माण कर दिया जाए। संगम नगरी प्रयागराज, ये शहर पश्चिमी के हिम्मतगंज का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं यहां जानवर आवारा पशु किस तरह सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और सड़क पर गंदगी के अंबार लगे हैं। ये कभी पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का विधानसभा क्षेत्र होता था, फिर पूजा पाल बसपा विधायक का, अब ये क्षेत्र है BJP के विधायक व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। यूनानी हॉस्पिटल के बाहर का ये नज़ारा है, जहां गंदगी के अंबार लगे हैं और जानवर सड़क पर टहल रहे हैं। अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा कहो तो सुबह जो झाड़ू लगाने आते हैं ये उल्टा सीधा बोलते हैं और उनसे कहो कि जाइए हवलदार से कहिए। ये सुअर वगैरह यहाँ टहलते रहते हैं, इसको कोई रोक नहीं लगाता है? प्रशासन कोई सुनता ही नहीं। क्या नाम है आपका? राम बाबू केसरी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।